अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगर जो भी ठीक ठाक है वो मैं बता दें, अगर नहीं भी ठीक तो बता दें, उसके लिए दुआ करेंगे। अच्छा, तो आज हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कपड़े धोने। हाँ, हम लोग जा रहे हैं लॉन्ड्री में, क्योंकि यहाँ पे जो ना हम लोग घर में कपड़े नहीं धोते, ये कपड़े वाला काम बहुत ही मुश्किल है। लॉकडाउन में घर में धोए हैं कपड़े, तो लग पता गया है कि बीती है जिनको कपड़े धोए देने। तो ये जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, ये उनको सलूट है कि वो हमारे कपड़े धोती हैं। ये बहुत मुश्किल काम है यार। ये कैब ठीक लग रही है। पाकिस्तान में अभी ये लॉन्ड्री वाला सिस्टम नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे लॉन्ड्री नहीं है। तो ये ठीक है, जो लोग घर में नहीं कपड़े धोना चाहते, ये काम ठीक है। अगर आप उधर लॉन्ड्री में चले जाएँ तो आपके कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर लॉन्ड्री में। तो इंशाल्लाह मैं भी जब फ्यूचर में पाकिस्तान में भी ये लॉन्ड्री वाला सिस्टम आएगा। गुजरांवाला में मास्टर सिटी, वहाँ पे जिधर मैं जॉब करता था, उन्होंने एक अपना डिज़ाइन किया था लॉन्ड्री हॉल, तो पता नहीं उधर अभी बना है कि नहीं। आजकल सब लोग ही ब्रायलर हो गए हैं, कोई भी काम इंसान नहीं करना चाह रहा खुद से। वो यही सोचता है कि हर काम के लिए मशीन हो, यहाँ तक कि अभी तो आटा गूंदने वाली भी मशीन आ गई है। और फ्यूचर में ये सुनने को आ रहा है कि फ्यूचर में रोबोट ही आएंगे और वो सारा काम इंसान का करेंगे, इंसान सिर्फ बैठेगा। लॉन्ड्री में पहुंच गए हैं हम लोग, अभी लॉन्ड्री में पहुंच गए हैं, शूज़ उतारेंगे और अंदर जाएंगे। दिस इज़ आवर लॉन्ड्री। में आने के बाद सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होगा, वो आपने ये करना है कि जो कपड़े हैं आपने इस मशीन के अंदर डालने हैं। ये बेसिकली मशीन है, ये देख रहे हो आप लोग, जिस तरह हमारे घरों में वाशिंग मशीनें होती हैं, ये उस तरह है। चल चल, ज़रा कुछ स्पीड से काम खींच के रखा। ये तो ही साहब जो हैं, ये अपने कपड़े इसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद इसको करना है लॉक, ये हो गई लॉक। और ये इसका सारा मेन्यू है, ये सर्फ है जो कि मुफ्त लगा हुआ है। ये फ्री सर्फ है। और ये तो ही साहब अपनी समझ के पाया जी। और ये मैं आपको उतनी देर मैन्यू बताता हूँ। ये हॉट है, यहाँ से गर्म पानी आएगा, ये वार्म है, यहाँ पे नॉर्मल पानी है, ये कोल्ड है, यहाँ से ठंडा पानी आएगा। उसके बाद ये लिखे हैं पैसे, यहाँ पे आपने 4 रुपये पे करने हैं, यानी 4 रिंगिट। और यहाँ से आपने कॉइन्स जो हैं इसके अंदर डालने हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कॉइन्स किस तरह निकालते हैं। ये इसका सर्व वाला पोर्शन है सारा, ये आ गई है जी ATM एक्सचेंज। ओके, लेट्स गो। चलो जी, ये है 10 रिंगिट यहाँ के। चलो जी, मासो करो। मासो का मतलब है दाखिल करना। क्या बात है, ओके। ये कॉइन्स निकल आए, अभी इन कॉइन्स को हम दोबारा फाड़ फाड़ की कर रहे हैं, ऐसे वो शार्ट नहीं लॉकडाउन की बात हो। यहाँ से हम डालेंगे कॉइन्स। ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओके, यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, हमने रखा वहाँ पे। ओके, ये जो ग्रीन बटन है इसको प्रेस करो। ओ, ये पाने नहीं बेचे, 1 रुपये और पाओ। एक ही तीन ले जाए ना, तीनों हो गए ना, जिन्हें हो गए ना उन्हें तो शो कर दे, 1 रुपये और पा। अभी इसने 1 रुपया कम डाला है तो वो उसने बता दिया। हाँ, अगर आप लोगों ने नॉर्मल कपड़े धोने हैं फिर 4 रुपये, अगर वहाँ पे रख के धोने हैं तो वो आपसे पूछेगा 7 रुपये। और ये कर दिया स्टार्ट। हाँ, अभी ये लॉक हो गया, ये देखिए इसने साथ ही शो कर दिया लॉक। और ये पानी आना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये सारी सर्फ है इसमें चली जाएगी। ओके ओके, ये उन्होंने गेम्स वगैरह बनाई हैं, इनमें से बच्चे निकालते हैं, ये इसके अंदर क्या है ये। हाँ, ये सारा निज़ाम है और बच्चे जो हैं ट्राई करते हैं इसके ज़रिए। और ये नीचे इसके हैंडल है, इसको प्रेस करो तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। चलो, तो सब ट्राई करके बहुत जरूर एक बार वाम लो। तेरे को ना नहीं,
लो जी इसके अंदर डाला ये कॉइन, और टाइम स्टार्ट हो गया। इसको प्रेस करो, पहले इसको सिलेक्ट करना है अपने। ओके 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 ओ नो वी आर फेल्ड, और 1 रुपया हमारा ज़ाया होते हुए। अच्छा मैं तो इसे पूछता हूँ कि तुमने पाकिस्तान में कभी ऐसे कपड़े वाश किए थे घर में? आज तो हिसाब मेरा दस आज पंजाबी। अच्छा ये कह रहे मैंने आज पंजाबी बोलनी है, चलो पंजाबी बोलो। ये सियालकोट ही है ना, इसलिए पंजाबी बोलेगा। सानू उर्दू नहीं आती है, असं अनपढ़ लोग हाँ। उच्ची बोलो थोड़ा। हाँ जनाब पिंड एक करी धोते हैं कपड़े। अच्छा जी, तो दो त्रै वाक्य होया, वो भी इस वजह तो क्रिकेट का मैच खेलना हो शर्ट वगैरह पजामा शजामा यूनिफॉर्म ही एक होंगे टीम का, वो गंदा होइए तो वह फिर कभी कभी एमरजेंसी के बच्चे ना धोनी पै जी है। तो हम मलेशिया जान के अल्लाह के हुक्म के नाल धोते जे पे हूँ इतने, तो सदा बार ही हफ्ते बाद कपड़े धोई देने जरा को रोटी का पैसा होंगे इतने कपड़े धोन लाही का। अच्छा अल्लाह के हुक्म के नाल धोते हो? अल्लाह के हुक्म के नाल जाया करी देने। पाकिस्तानी बन जाता तकरीबन 600-700 रुपये च धो जाते हैं। ना कर यार एडा महंगा, एडा महंगा हम इतने लगे जे 9 रुपये ते 6 रुपये 7 रुपये सुकान ते लगने ने। ओहो बढ़िया, तुम्हारे हुक्म ना उत्थे जाया घर च रहा। अच्छा अच्छा, हाँ यह दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम यार। ओहो इट्स वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके अच्छा जी, तां इहदा जरा फॉर्म दे विच पंजाबी बोलदा पिया, नवीं इहदे नाल पंजाबी बोलना पिया, तो पंजाबी दे विच थोड़ी जी इंग्लिश मिक्स हो गई है, चल रहा है। ये हमारे पीछे फ्लैक्स लगी हुई है, तो बड़ी प्यारी सी है, देख रहे हैं आप लोग। अभी इसके बारे में तुझसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये सब तेरा की ख्याल है, प्यारी लग रही है? या दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कपल्स लाइक यू वांट लाइक दैट वाइफ। Everyone, people want to maybe like one guy. There is a totally family planning, na? There is look there, one girl, one boy. Every boy in Pakistan can wish 2 boys, one girl, one boy. Huh. And that is so beautiful wife. Yeah, oh. Very lucky boy who can get this family. अच्छा तो इसके मुँह में पानी आ रहा है, लड़की देख के कह रहा है ये बहुत प्यारी है। अच्छा तो ईद का मतलब है कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, वैसे ये ठीक कह रहा है जी। टाइम ख़त्म हो गया, ये देखिए इसका मतलब है अभी हम ये जो कपड़े हैं ये बाहर निकालेंगे और ड्रायर में डालेंगे। ओके इसको अनलॉक करें और ये कपड़े डालें ट्रॉली में। पाकिस्तान के भी आने वाले वक्त इंज आई नहीं लांडरी, पर एक खतरा यार पाकिस्तान के लांडरी आ गई तो पाकिस्तान के जो जहाज ने जो गलिया के लैंड करते हैं वह तो सारी रात दिल करे उन्होंने चक्कर च रहन, रात में दिल करे मशीन लै जन, ये भी खतरा ना। लो जी ये है हमारा ड्रायर सेक्शन, थले च पाला और हम लोग इसमें डालेंगे अब ये कपड़े और ये ड्रायर करेगा ये देख। ओके ओके तो ये सब की ख्याल है जेडे पाकिस्तान ने जहाज एरोप्लेन ने जेडे वो दिल करे मशीने ला के लै जाए ऐसा सिस्टम पाकिस्तान नहीं चल सकता। चलेंगे पैसे, ये भी मांग रहे हैं 4 रिंगेट और ये नीचे इसके ऑप्शन है
ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, ये नो हीट है, ये मीडियम है, ये डेलिकेट है, ये स्टार्ट है। तो हम लोग मीडियम ही रखेंगे, तकरीबन मीडियम ठीक ही रहता है। तो इधर कड़ी जहरीली आवाज है यारों जी, आवाज भी भैड़ी हो गई है। एक रुपये और पाओ। ओके जी, ये भी डन। ये तो ये 25 मिनट देगा और इसको हम करेंगे स्टार्ट। जी ये भी ख़त्म हो गया इसका टाइम, और अभी इसमें से कपड़े निकालेंगे और वहाँ पे तह लगाएंगे और फिर घर को जाएंगे। आज हम लोगों ने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है लॉन्ड्री का, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में आपको लॉन्ड्री इस तरह की मिले और तब आप लोग हमें याद करोगे कि यार हमें पता है इस तरह कपड़े वाश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, इसलिए आपको हेल्प के तौर पे एडवांस में बता दिया है। ओके, तो आज का ये था हमारा जो लॉन्ड्री का सीन है, वो हमने आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया। तो डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर मोर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।